हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं हेमंत कुमार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेमंत फॉर यू में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ इंस्टाग्राम रील्स हैशटैग के बारे में, जहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा इंस्टाग्राम रील्स पे हैशटैग कैसे लगा सकते हैं, हैशटैग स्ट्रेटेजी के बारे में भी बताऊंगा यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। फ्रेंड, ये टॉपिक काफी बड़ा, अगर मैं इस पर बात करूँ तो कम से कम 2 से 3 दिनों रेगुलर बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा फ्रेंड, इस पे एक पूरी सीरीज बन सकती है, 10 वीडियो का यहाँ पे बन सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, फिर काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए 3 पॉइंट लेके आऊं। अगर आप लोग इन 3 पॉइंट को समझ जाते हो तो आप लोगों को बेसिक क्लियर हो जाएगा। आप लोग ये समझ पाओगे कि कैसे आप लोगों के हैशटैग यूज करना चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं, इसके बारे में एक पूरी सीरीज का प्लान कर रहा हूं, जहां पे 10 वीडियो का सीरीज आएगा, जहां पे मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, बेसिक से एडवांस लेवल पे सिखाऊंगा हैशटैग स्ट्रेटेजी कैसे बनाना चाहिए, इंस्टाग्राम रील्स पे हैशटैग कैसे लगाना चाहिए, जिससे जो भी आप लोग वीडियो डाले वो काफी लोगों तक जाए, काफी ज्यादा व्यूज है, काफी ज्यादा फॉलोअर्स है। तो 10 वीडियो का प्लान कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता, जो अगर आप लोग 10 वीडियो का प्लान जानना चाहते हो तो सिंपली आप लोगों को करना क्या है कि इस वीडियो को काफी ज्यादा लाइक करना है, काफी ज्यादा सपोर्ट करना। अगर आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करते हो और आप लोगों में से काफी लोगों को मुझे नीचे कमेंट देखने को मिलता है हाँ यार उस सीरीज को बनाओ, तो मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली से बात है एक पूरी 10 वीडियो का सीरीज बना दूंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ इंस्टाग्राम रील्स हैशटैग के बारे में, 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पे आप लोगों का बेसिक क्लियर करूंगा और ये भी समझा दूंगा कि कैसे आप लोगों को जो भी हैशटैग है वो यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, इसी के बारे में स्टूडियो में बात करने वाले, जहां पे मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड जितना भी डाउट है वो सॉल्व आउट कर दूंगा। तो चले फ्रेंड शुरू करते हैं। मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हो हेमंत फॉर यू। तो फ्रेंड, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी सारी अपडेट इंस्टाग्राम पे भी लाइव होती है। तो चले फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इंस्टाग्राम रील्स हैशटैग के बारे में, उन 3 पॉइंट के बारे में समझ लेते हैं जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आओ। तो मैं आप लोगों को बताऊं फ्रेंड, अगर मैं बात करूं सबसे पहले पॉइंट के बारे में फ्रेंड, तो मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहले नंबर था राइट हैशटैग। अब आप लोग में से काफी लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि राइट हैशटैग कैसे यूज करते हैं। काफी सारे जो नए क्रिएटर तो इस तरीके की गलती करते हैं, उन लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि हैशटैग कैसे लगाना चाहिए, राइट हैशटैग कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि क्या पोस्ट आप लोग करने जा रहे हो, पोस्ट किस बारे में, उसी के बारे में आप लोगों को हैशटैग यूज करना है, उससे रिलेटेड ही आप लोगों को हैशटैग यूज करना है। काफी लोग इस तरीके की गलती करते हैं, क्योंकि आप लोग में से काफी सारे जो नए क्रिएटर, तो काफी लोग मुझे मैसेज करते हैं, काफी लोग इंस्टाग्राम में डीएम भी करते, पूछते मेरी पोस्ट क्यों नहीं रैंक कर रही। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग इनकरेक्ट हैशटैग यूज करते हैं तो वहां पे जो भी इंस्टाग्राम रील्स के एल्गोरिथम है वो आप लोगों को एज ए स्पैम काउंट करने लग जाता है। और अगर आप लोग 10 वीडियो में 20 वीडियो में इसी तरीके की गलती करते हैं तो जो भी आप लोगों का अकाउंट है वो फ्रीज भी हो जाता है, काफी बार ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिल जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को ये ट्राई करना है कि जो भी आप लोग हैशटैग यूज करने जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, सही हैशटैग यूज होना चाहिए। इसके बारे में बताओ, इसके बारे में एक और पॉइंट बता देता हूं, अगर बात हो रही है तो यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं, फ्रेंड काफी लोग इस तरीके की गलती कर देते हैं, 5 मिलियन 10 मिलियन इस तरीके का हैशटैग यूज करते हैं। तो यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं, इसके बारे में भी आप लोगों को पूरी स्ट्रेटेजी बना के काम करना चाहिए कि सिंपली अगर आप लोगों का जो भी अकाउंट है नया है तो वहां पे आप लोगों को ये ट्राई करना होता है कि कम वॉल्यूम वाला आप लोग हैशटैग यूज करो, मतलब मिनिमम आप लोगों को ये ट्राई करना 80 से 90 हजार के नीचे जो भी हैशटैग उसका आप लोग यूज कर सकते हो, या अगर आप लोगों का अकाउंट बिल्कुल नया है तो वहां पे आप लोग थोड़े से मिक्सअप करके भी यूज कर सकते, लो वॉल्यूम वाले थोड़े से यूज कर सकते, मतलब 10,000 के नीचे जो भी कीवर्ड है, जो भी वहां पे हैशटैग उसको थोड़ा सा यूज कर सकते। और आप लोगों को ये भी ट्राई करना होगा कि मीडियम वाले भी यूज करो, मतलब 80,000 के जो भी नीचे वाले उसका यूज करो। इसलिए मैं आप लोगों को बताऊं, जो काफी लोग इस तरीके की गलती करते हैं कि देखते हैं कि जो भी हैशटैग काफी ज्यादा वायरल हो रही, काफी लोग वहां पे यूज करें, मतलब सैमसंग यूज करें, वहां पे लगभग आप लोग देखोगे तो कम से कम आप लोगों को 5 लाख 10 लाख 20 लाख इस तरीके का पोस्ट देखने को मिल जाएगा, तो वहां पे आप लोग रैंक नहीं कर पाओगे। इसलिए आप लोगों को यही टारगेट करना है कि कैसे आप लोग रैंक कर पाओगे, तो रैंक कहां पे कर पाओगे, जहां पे लोग कम होंगे। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, इसके बारे में पूरी सीरीज बनाने का ट्राई कर रहा हूं, इसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को काफी ज्यादा प्यार देना होगा, तभी मैं आप लोगों के लिए पूरी सीरीज लेकर आऊंगा, बेसिक से एडवांस लेवल पे बात करेंगे और एक एक चीज आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूंगा। तो सिंपली आप लोगों को करना क्या, एक एग्जाम्पल बताता हूँ ताकि इससे रिलेटेड जितना भी आप लोगों का डाउट है वो भी सॉल्व आउट हो जाए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, काफी लोग क्या गलती करते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग एक वीडियो अपलोड करते हो इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर, वहां पे आप लोगों ने क्या बात किया, वहां पे आप लोग बात कर रहे हो सैमसंग फोन के बारे में। अब अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि वहां पे कौन से हैशटैग यूज करना चाहिए, तो मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, सैमसंग फोन इंडिया, सैमसंग फोन 2020, सैमसंग फोन फीचर्स। तो इस तरीके का अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो मैं इस तरीके का हैशटैग यूज करूंगा। और आप लोगों में से काफी लोग क्या गलती करते हैं, बात कर रहे हो आप लोग सैमसंग फोन के बारे में और वहां पे आप लोग हैशटैग यूज क्या कर रहे हो, वहां पे आप लोग
सैमसंग यूज करें, एप्पल फोन, आई फोन, वहां पे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग इस तरीके की गलती करते तो जाहिर सी बात है जो भी आप लोग वीडियो डाल रहे हो वो एज ए स्पैम जा रहा है, तो वहां पे आप लोगों का स्पैम स्कोर भी बढ़ता चला जा रहा है। और ओवरऑल जो भी इंस्टाग्राम रील्स का एल्गोरिथम है उसके नजर में आप लोग गिरते चले जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे आप लोगों का स्पैम स्कोर बढ़ रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, राइट हैशटैग काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसके बारे में कम से कम 3 दिनों तक रेगुलर बात कर सकता हूं, इतना बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहां पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बेसिक क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आने वाले दिनों में जैसे इसके बारे में डिटेल से समझेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, राइट हैशटैग काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं बात कर रहा हूं इंस्टाग्राम रील्स के बारे में, बात कर रहा हूं इंस्टाग्राम के बारे में बात कर रहा हूं, तो राइट हैशटैग आप लोगों को यही ट्राई करना है कि जो भी चीजें आप लोग डाल रहे उसी से रिलेटिव ही हैशटैग यूज करो। काफी बड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया, लेकिन यहां पे आप लोगों का डाउट क्लियर करना काफी ज्यादा जरूरी था, ये सबसे पहले नंबर का पॉइंट था। तो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करूं तो मैं आप लोगों को बता दूं, दूसरे नंबर का ट्रेंडिंग हैशटैग, इस पे भी आप लोगों को वीडियो बनाना है। अब आप लोगों में से काफी लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ट्रेंडिंग हैशटैग कैसे ढूंढ सकते हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं, सिंपली आप लोगों को करना क्या, अगर आप लोग ट्विटर यूज करते हो तो वहां पे आप लोग जाके देख सकते हो, उसके ट्रेंड सेक्शन में आप लोग देख सकते हो क्या कुछ ट्रेंड कर रही है, उससे रिलेटिव आप लोग वीडियो बना सकते हो। अगर आप लोगों को यहाँ यूज नहीं करना, ट्विटर पे आप लोग नहीं जाना चाहते, तो सिंपली आप लोगों को करना क्या, गूगल ट्रेंड पे चले जाना, वहां पे जाकर आप लोग टॉपिक देख लेना, क्या कुछ ट्रेंड चल रही है उसका ग्राफ देख लेना, तो वहां पे भी आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। अगर आप लोग ये भी नहीं करना चाहते, सिंपली आप लोगों को करना क्या, इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर टैब पे चले जाना, वहां पे जाके आप लोगों को देखना कौन कौन सी पोस्ट रैंक कर रही है, वहां पे उसके हैशटैग देखना, तो वहां से भी आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि क्या कुछ ट्रेंड कर रहा है, उसके बारे में आप लोग वीडियो बना सकते हो। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, जितना ज्यादा टाइम आप लोग रिसर्च पे स्पेंड करोगे उतनी सारी चीजें सीखते चले जाओगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ट्रेंडिंग टॉपिक भी काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ट्रेंडिंग हैशटैग भी आप लोगों को हमेशा यूज करना चाहिए। अगर आप लोग अपने ग्रोथ रेट को बढ़ाना चाहते हो तो ट्रेंडिंग हैशटैग को कभी भी मिस नहीं करना, ट्राई करना कि ट्रेंडिंग हैशटैग पे कम से कम डेली के एक वीडियो बना पाओ। तो यहां पे मैं आप लोगों को बताने पर सेकंड नंबर का पॉइंट था, तो अगर मैं तीसरे और लास्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन फ्रेंड, तो यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं, तीसरे नंबर था कॉम्पिटिटर रिसर्च। अब यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा कि कॉम्पिटिटर रिसर्च होता क्या और कैसे आप लोग कॉम्पिटिटर रिसर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, तो यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, सिंपली आप लोगों को करना क्या, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों का नीच क्या है। अब वहां पे आप लोगों को ये पता होगा कि आप लोगों का नीच ये, अब आप लोगों को करना क्या, उसमें टॉप मोस्ट क्रिएटर कौन थे जो भी आप लोगों के नीच के हिसाब से पोस्ट करते हैं, उन लोगों के अकाउंट को रिसर्च करो, उन लोगों को देखो कि वो लोग कैसे हैशटैग यूज करें और कौन कौन से हैशटैग पे वो रैंक करे, क्या मैं इस पे रैंक कर सकता, वहां पे आप लोगों को स्ट्रेटजी बनाना होगा। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस वीडियो को काफी ज्यादा प्यार दो, ताकि इसी के बारे में कम से कम 10 वीडियो को प्लान कर दूं और बेसिक से एडवांस लेवल पे आप लोगों को सिखा दूं। तो यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं, कॉम्पिटिटर रिसर्च का सबसे अच्छा यही आइडिया कि आप लोगों को जो भी आप लोगों को डोमेन के हिसाब से जो लोग काम करें उनके टॉप पोस्ट क्रिएटर को देखो, उनके वायरल पोस्ट को देखो, वो किस तरीके के हैशटैग यूज करें और वो किस तरीके के पोस्ट बनाते, किस तरीके के हैशटैग यूज करें, मतलब उसके वॉल्यूम कितने कम है, हाई है, तो वहां पे देखो कि वो लोग रैंक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मतलब उनकी लेंथ को देखो कि जो भी हैशटैग यूज करें वो उसकी वॉल्यूम क्या 10,000 के अंदर है, 20,000 के अंदर है, और क्या वो उस पर रैंक कर रहे हैं, क्या मैं उस पर रैंक कर सकता हूँ। तो इस तरीके का अगर आप लोग रिसर्च करोगे तो काफी सारी चीजें सीखोगे। इस वीडियो में थोड़ा सा आप लोगों को बताने की कोशिश करो, ये आप लोग मोबाइल फोन पे भी देख पा रहे, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं मैं ट्राई कर रहा हूँ इसके बारे में एडवांस लेवल पे बात करूँ, पूरी सीरीज का प्लान कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा डेमो वीडियो बना दिया ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इंस्टाग्राम रील्स हैशटैग के बारे में कम से कम 10 वीडियो को प्लान बन सकता है और बेसिक से एडवांस लेवल पे अगर आप लोग सीख पाओगे तो जो भी आप लोगों के अकाउंट बिल्कुल बूम कर जाएगा, इतनी तेजी से आप लोग ग्रोथ पा पाओगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, ये 3 पॉइंट है जिसपे आप लोगों को काम करना है अगर आप लोग इंस्टाग्राम रील्स हैशटैग स्ट्रेटेजी बनाने जा रहे हो, तो आप लोगों को किस तरीके की चीजें समझना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर रिसर्च कैसे कर सकते हो, हैशटैग कैसे यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें मैटर करती है। वहां पे ये होता है कि आप लोगों को जो भी अकाउंट है वहां पे आप लोग कितने तरीके से अच्छे से यूज कर रहे हो, किस तरीके से टेस्ट कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, वहां पे आप लोगों को टेस्टिंग भी करके देखना होगा, काफी बार ऐसा ट्राई करना होगा हाई वाले में रैंक नहीं कर पा रहा, लो वाले में रैंक कर रहा, अगर लो वाले में रैंकिंग आ रही तो आप लोगों को ये ट्राई करना है मिडिल वाले की तरफ जाओ। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, काफी बड़ा टॉपिक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को डेमो के लिए थोड़ी सी बात बता रहा था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, ये 3 पॉइंट है जिसपे आप लोगों को काम करना है अगर आप लोग इंस्टाग्राम रील्स हैशटैग स्ट्रेटेजी बनाने जा रहे हो। तो आई होप इससे जितना भी आप लोगों का डाउट था वो सॉल्व आउट हो गया होगा। अगर आप लोगों को लगता है मुझे इसके बारे में पूरी सीरीज बना देना चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता देना, जितने ज्यादा लोग एग्री होंगे तब मैं जाके उसका प्लान करूंगा। तो फ्रेंड ये थोड़ी सी बात थी जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया था ताकि आप लोग इस तरीके की बातों से अपडेट रह सको। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के, तब तक अपने आसपास सफाई रखें, अपने छोटे बड़े का ध्यान रखें,
जय हिंद, जय भारत।